सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कीमा, क्योंकि आज हमने रेड मीट लिया है। तो हमारा कीमा है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। 200 ग्राम हमने दाल ली है, जो कि हमने 2 घंटे भिगो ली है। चने की ये दाल है। 10 से 12 हमने लिया है लाल मिर्चें, जिसमें हमने थोड़ी सी पीली दो तीन पीली मिर्ची भी शामिल कर ली है। 1 चम्मच भर के लिया है हमने धनिया साबुत। 2 1-1 इंच के सिनेमन स्टिक के टुकड़े लेकर हमने तोड़ लिया है। 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग लिए हैं हमने, और इतनी ही हमने ली है हरी इलायची। काली मिर्च लिया हमने 15 से 20, और 1 चम्मच भर के लिया है हमने जीरा। 1 बड़ा प्याज लिया है हमने, जो मोटा मोटा हमने इसको काट लिया है। 2 इंच का एक अदरक का टुकड़ा लिया है हमने, और 1 लिया है हमने मनोहर गार्लिक, जो कि हम इसमें डालने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना कीमा डालेंगे कुकर में। और इसमें शामिल करेंगे हम चने की दाल। दाल हमने अपने कुकर में डाल दी है। अब अदरक के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। लहसुन भी हम अपना साफ करके इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम लहसुन, अदरक और प्याज। अब डाल देंगे हम इसमें अपने तमाम मसाले। नमक डालेंगे इसमें हम टेस्ट। डेढ़ चमची हमने इसमें नमक डाल दिया है अपना, और इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि दाल और कीमा और मसाले हमारे बिल्कुल इसमें डूब जाए। पानी इसमें हमने 1 से 1.25 गिलास इसमें पानी हमने अपना डाल दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे। हम मीडियम गैस पे 4 सीटी लगाएंगे इसमें, और फिर इसके प्रेशर में हम इसे छोड़ देंगे। 4 सीटी हमारे कुकर में आ गई थी, अब इसे हम खोलेंगे। कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पानी है, जो कि हम खुशक कर लेंगे। पानी हमारा खुशक हो गया है, ये देखिए इसमें कोई पानी नहीं है। अब इसको हम निकाल लेंगे अपने बड़े बर्तन में ठंडा करने के लिए। कीमा हमने अपना बर्तन में निकाल लिया है, अब इसको हम ठंडा करेंगे। पंखे की हवा में रख देंगे इसको, ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। कीमा हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको हम डालेंगे अपने मिर्ची के जार में। अगर आपके पास सिल हो तो सिल पे पीस लें, आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में पीस लें, जो आपको सहूलत लगे उसमें पीस लें इसको। कीमा हमारा पीस चुका है, ये देखिए हम अपना कीमा सारा पीस के हमने बॉल में निकाल लिया है। और इसमें अगर आपको नमक हल्का लगे तो आप इसमें नमक डाल लीजिएगा, बाकी हमारा इसमें नमक ठीक है। और इसमें से हमें क्या करेंगे, इसका हमने लिया था 750 ग्राम कीमा, और 200 ग्राम ली थी हमने दाल, तो लगभग ये हमारा 1 किलो के करीब कीमा हो गया। हमारा हमें इतना नहीं चाहिए, तो इसमें से क्या करेंगे, हम आधा कीमा हम निकाल के रख देंगे, और इसकी हम आपको दूसरी रेसिपी देंगे। हमारा जो ये कीमा है, अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया और हरी मिर्च। हरी मिर्च हमारी बारीक कटी हुई है, तो इसमें डालेंगे हम अपना हरा धनिया और हरी मिर्च। 1 अंडा इसमें हम डाल देंगे, और इसे हम मैश कर लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए हमारा कीमा बिल्कुल तैयार है, अब इसकी बनाएंगे हम शामी कबाब। सबसे पहले हम अपने हाथों पे तेल लगाएंगे, और इस साइड से हम लेंगे
हमने इस साइज का कबाब बनाया है, आपको जो साइज रखना हो, इसे बड़ा रखना हो, इसे थोड़ा मोटा रखना हो, तो आप वो साइज रख सकते हैं। हम एक प्लेट में इनको निकाल बना के रखते रहेंगे। अब तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम अपने कबाब। अब इसे 1 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे और इस तरीके से करके हम अपने सारे कबाब इसमें डाल देंगे। कबाबों को हम 1 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, 1 मिनट बाद हम इसको पलट देंगे। गैस की हीट हमने मीडियम रखी है, कबाब हमने पलट दिए हैं और हमारे अच्छी तरह सिक चुके हैं। एक तरीका हम आपको और बताते हैं जिससे दो तरीके के आपके कबाब तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले एक अंडा लेंगे हम, इसमें डालेंगे हम नमक, नमक सिर्फ हम अंडे के हिसाब से डालेंगे इसमें और इसे इस तरीके से हम फेंट देंगे। अब हम अपना इसमें शामी कबाब डालेंगे, उसको डिप करेंगे इसमें हम, ये देखिए, और हम अपने फ्राइंग पैन में इसको डाल देंगे। इस तरीके से अपने पैन में हम डालते रहेंगे। कबाब हमने अपने पलट दिए हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो हमारे कबाब तैयार हैं, बिना अंडे वाले और ये हैं अंडे वाले। तो हमने आपको दो तरीके के कबाब बताए हैं, आप इस तरीके से इन कबाबों को बनाइए, हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।